तो हेलो दोस्तों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोडा बाइक सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है यार। तो चलिए इसके वीडियो में हम जितने भी अपडेट्स आपके हफ्ता भर के आए हुए हैं यूजी और पीजी के लिए, स्नातक और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, सभी के मैं एक वीडियो में सार रखता हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो हफ्ता भर के जितने भी अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, सभी चीज़ों में यहाँ पर मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अपडेट्स होते हैं, इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं जो हर साल होते हैं आपके, और इसके साथ ही साथ जो लेक्चर्स भी हो पाती हैं, जितना हो पाती हैं, इस चैनल पर सब्सक्राइब अपलोड किए जाते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि ये सारी चीज़ आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम आज के अपडेट्स पर आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी अपडेट है कि विश्वविद्यालयों ने 21 अगस्त तक एग्ज़ाम सभी यूनिवर्सिटीज़ लेने का अपना फैसला कर, मतलब कि फैसला उनको करना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी से गाइडलाइन आ गई है कि यूजीसी ने उनको कहा है कि 31 अगस्त से पहले सभी को एग्ज़ाम ले लेना है, ताकि अगले साल कहीं सितंबर अक्टूबर से वो कहीं जाके एडमिशन अपना नया सत्र चालू कर सके। तो पूरी अपडेट दूंगा, वीडियो में पूरे बने रहना। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो चलिए हम पूरे अपडेट्स पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूजीसी ने कहा है कि 31 अगस्त से पहले सभी को संपन्न करा लेनी है एग्जामिनेशन, जितने भी फाइनल एग्जामिनेशन है ना, तो जो भी 6 सेमेस्टर के हैं यूजी के और पीजी के 4 सेमेस्टर के लिए हैं, वो सारे का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में अगस्त में हो जाएगा, लास्ट वीक तक आप लोगों का, और सितंबर से आपका रिजल्ट आएगा, तो अक्टूबर से नया सत्र चालू हो जाएगा। पूरी अपडेट्स दूंगा, जितने भी आर्टिकल हैं सभी को अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। इसे 4-5 आर्टिकल हैं, सभी आर्टिकल में आपको समझाऊंगा, सभी के अपडेट्स दूंगा। और इसी के साथ ही जो पेंडेमिक हुआ, इसके कारण आपका फी भी कम हो जा रहा है, तो देख लीजिए कैसे बहुत सारी चीज़ों में आपका एग्जामिनेशन फी भी कम लगने वाला, वो भी सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। और विकल्प का बात रहा कि ऑनलाइन होगा परीक्षा की एग्ज़ाम, ऑफलाइन होगा, तो देखिए यहाँ पे विकल्प भी दिया हुआ है, जो मैं पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन ये कॉलेज का विकल्प है। तो देखिए यहाँ पे कॉलेज के लिए विकल्प है, तो परीक्षाएँ ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती हैं, परीक्षाएँ 31 अगस्त तक कराए जाएँ ये बोले जा रहे हैं। और बीच के जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, बीच के सेमेस्टर मतलब जैसे सेकंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड का सेमेस्टर हो गया, फोर्थ का सेमेस्टर हो गया, ये सभी बीच के सेमेस्टर हो गए, तो ये सभी के छात्राओं के आंतरिक मूल्यांकन पर होगी, इनका जो रिजल्ट बनेगा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनेगा, ऐसा यहाँ पे अपडेट्स आ रहा है। अब चलिए यहाँ पे वापसी के नाम पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। मैंने बताया कि आपका सत्र ना बिगड़े, ज़्यादा देर ना हो जाए, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने पर पूरी फीस लौटानी होगी, 31 दिसंबर तक एडमिशन रद्द कराने पर 1000 रुपये की कटौती की फीस में की जाएगी। पूरी अपडेट्स दूंगा, तो चलिए हम सीधे अपडेट्स पर आते हैं कि क्या क्या अपडेट्स हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद फिर मैं एक दो आर्टिकल और है उस पर भी अपडेट्स दूंगा, है ना, तो सारे अपडेट्स को यहाँ पे देखते जाना। उच्च शिक्षण संस्थाओं में परीक्षाओं एवं नए सत्र में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC है ने संस्थानों से कहा है कि अंतिम वर्ष, मैंने बता दिया कि सेमेस्टर की परीक्षाएँ अंतिम तौर से अनिवार्य तौर से 31 अगस्त से पहले हर हाल में संपन्न करानी होंगी, है ना। इसके लिए सभी कुलपतियों को UGC सचिव रजनीश जैन ने भेज दिया है ना, और परीक्षाएं लेने का उन्होंने कोरोना नियमों का पालन करके लेने का आदेश जारी कर दिया है। 30 सितंबर तक नामांकन, और आपका देख लीजिए UGC ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से कहा कि उच्च संसद संस्थाओं CBSE ICSE जितने भी परिणाम घोषित होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, जो 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी, मतलब एडमिशन आपका सितंबर में होने वाला है। कुछ सीटें खाली रहीं तो उन्हें हर हाल में 31 अक्टूबर तक भरने की अनुमति होगी, मतलब 31 अक्टूबर तक आपको एडमिशन
परमिशन कहीं पे भी मिल सकता है। लेकिन छात्रों को आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक समय मिलेगा। तो 18 अक्टूबर से सत्र चालू होगा। यहाँ से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होगा। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आने में देरी होती है तो अधिकतम 18 अक्टूबर से नया सत्र चालू किया जा सकता है। मतलब 18 अक्टूबर एक डेडलाइन की तरह आप समझ सकते हैं। सत्र के दौरान शिक्षण के लिए स्थिति के अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विकल्प में उपलब्ध रहेंगे कि कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है। यूसी ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाएं 31 जुलाई तक सत्र पूरा करेंगे। इसके बाद नया सत्र अगस्त 2022 से चालू होगा। इसके साथ ही जो बच्चे डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए डीयू में नामांकन की प्रक्रिया 2 अगस्त से चालू है। या तो जिनको भी यहाँ पे एडमिशन लेना तो वो यहाँ पे अप्लाई जरूर कर देना। दिल्ली विश्वविद्यालय 2 अगस्त से 31 अगस्त तक स्नातक पाठ्यक्रमों में 65,000 सीटों पर प्रवेश लेने के लिए पंजीकरण शुरू कर रहा है। तो देख लेना यहाँ पे जिनको अप्लाई करना है कर लीजिएगा। और चलिए और भी फर्दर जितने भी और आगे अपडेट्स आए हुए हैं सारी अपडेट्स आपको एक ही वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए आगे के अपडेट्स में चलते हैं। उसी प्रकार देखिए बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने अपना परीक्षा फी शुल्क कम कर रहे हैं। तो देखिए परीक्षार्थियों का 25% शुल्क माफ़ किया जा रहा है हजारीबाग का। और ऐसे भी एक BBMQ में भी शायद ऐसा अपडेट्स आया था धनबाद का यूनिवर्सिटी। जैसे लगभग सारे यूनिवर्सिटी का ये फैसला हो रहा है धीरे धीरे करके कि वे अपने परीक्षार्थियों का जो फीस है वो थोड़ा कम कर दे रहे ताकि उनको सहायता हो सके। देखिए स्नातक स्नातकोत्तर सभी के वित्त पोषित पाठ्यक्रम के ओल्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी को इसका लाभ मिलेगा है ना। तो ये आपका जमा शुल्क भी माफ़ किया जा गया है ठीक है। तो आपका जो भी राशि अगर आपने जमा कर भी दिया तो हो सकता है वो वापस कुछ रुपए मिल जाए। और जो अगर आपने अगर अभी देना होगा तो वो भी फी कम कर देंगे। जैसे अगर अभी आपको कहीं परीक्षा शुल्क देना रहेगा तो उस पर भी माफ़ी मिल सकती है। और क्या क्या अपडेट्स है चलिए देखते हैं आगे। अब रही बात कि आपका चांस किसका ज़्यादा कि ऑनलाइन होगा परीक्षा के ज़्यादा ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यार झारखंड में UGC की बात छोड़िए, झारखंड में एक बार चीफ मिनिस्टर जो हमारी थी द्रौपदी मुर्मू उनके साथ जब बैठक हुआ था तो उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन अगर एग्जामिनेशन होता है तो उसके हिसाब से हमें अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी और ऐसा एग्जामिनेशन लेना होगा कि थोड़ा सा भी आप चीटिंग ना कर सको, नकल ना कर सको और सब्जेक्टिव टाइप से जो आपका हो सके तो आपका सही मूल्यांकन हो सके। तो सब्जेक्टिव लेना बहुत ही मुश्किल है यार ऑफलाइन में। तो इसलिए हमको लगता है कि झारखंड के जितने यूनिवर्सिटी है ऑफलाइन एग्जाम के लिए जाएंगे। खास करके मैं बता रहा हूँ कि सेमेस्टर जिनका लास्ट ईयर है, जैसे कि अगर सेमेस्टर 6 में हो UG के स्टूडेंट्स और PG के स्टूडेंट्स अगर 4 सेमेस्टर में हैं तो उनके ऑफलाइन होने की ज़्यादा उम्मीद है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रांची के विश्वविद्यालयों को निर्देश का इंतजार। ये वाला अपडेट आप देख लीजिए कि कोरोना के कारण राजधानी स्थित विभिन्न विश्वविद्यालय जितने भी विश्वविद्यालय झारखंड के हैं में स्नातक और स्नातकोत्तर के इंटरमीडिएट परीक्षाएँ जो सेमेस्टर की परीक्षाएँ वो ऑनलाइन आयोजित की गई। मतलब कि इंटरनल जो एग्ज़ाम आपका हुआ है वो तो आपका ऑनलाइन ही आयोजित किया गया है। लेकिन कई विश्वविद्यालयों में स्नातक सेमेस्टर 1, 3, 5 व अन्य स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1, 3 की परीक्षा आयोजित कर ली गई है। मतलब आपका इंटरनल हो गया है ऑनलाइन के द्वारा। लेकिन अब देखिए फाइनल स्टूडेंट्स बच्चे ध्यान देंगे कि वहीं स्नातक सेमेस्टर 6 और स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 की एंड सेमेस्टर परीक्षा के लिए सरकार के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, कॉलेजों ने कि अपना खुद से जारी कर दिया था डेट लेकिन फिर उनको वापस लेना पड़ा। रांची विश्वविद्यालय UGC के दिशा निर्देश के तहत ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। मैंने आपको भी बता दिया कि VBU हो जाए चाहे BBMQ हो जाए चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो जाए चाहे जो भी यूनिवर्सिटी है कोल्हान यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटीज इसी दिशा निर्देश पर आगे बढ़ेंगे। साईनाथ यूनिवर्सिटी जितने भी तरह की हैं सभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए ही बढ़ेंगी जिनका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है। इसके लिए देखिए मैंने बता दिया था कि UGC के सचिव रजनीश जैन ने सभी कुलपतियों को पत्र लिख दिया है ना। अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराई जाए। कब होगा तो ये देख लीजिए, अक्टूबर से आपका नया सत्र चालू होगा। यहाँ पे भी यही अपडेट है, ये वाला आर्टिकल में भी यही आने मतलब कि बात मैं बताना चाह रहा था कि अगस्त में आपके एग्जामिनेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सेप्टेम्बर 10 तक आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया रहेगा। आप समझ रहे हैं, 10 सेप्टेम्बर तक आपका एग्ज़ाम या 15 सेप्टेम्बर तक आपका एग्ज़ाम मुश्किल से मुश्किल किसी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो सभी अगस्त में ही करा लेंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि अगस्त में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएंगी। तो आप इसी के हिसाब से अपना डेडलाइन मान के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन ही होगा मैं बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन का उम्मीद बहुत कम है यार। विकल्प तो मिला है लेकिन फिर भी झारखंड के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आपके ऑफलाइन होने के एग्जामिनेशन ज़्यादा चांसेस हैं है ना। और यहाँ पे भी यार यही अपडेट है कि विश्वविद्यालयों में 1 अक्टूबर से ही आपका दाखिला मतलब नया सत्र चालू होगा। तो देख लीजिए, और जो भी आपके इंटर के बच्चे हैं जो भी छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप अपडेट देना चाहते हैं अपने छोटे भाई बहन को तो उनको बता दीजिएगा यार कि उनका 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करने की उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त तक जाएगा है ना। तो ये इनका रिजल्ट जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। तो अपने छोटे भाई बहन जिनको भी बता दीजिएगा। DU में 2 अगस्त से आपका नामांकन चालू है तो देख लीजिएगा। MPhil, UMPhil, PhD करना चाहते हैं सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। तो जो भी अपडेट्स देनी थी
आज के अपडेट्स मैंने दे दिए यार, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी अपडेट्स देता रहता हूँ। और इसी के साथ जितने भी अपडेट क्वेश्चंस पेपर हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस कोरोना के पेंडेमिक में घर में रहिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, यही हमारी आपसे कामना है। और चलिए देखते हैं, जो भी होगा आगे सब सही होगा। और ये परीक्षा हम लोग जो आ रही हैं उन पर ऑफलाइन ही देना है, ये हम लोग को ठान कर चलना है। बहुत सारे ऑनलाइन कर रहे हैं बच्चे, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, कि आप अपना से अपना जो अपना हौसला रहता है उसको मत खोइए। अगर ऑनलाइन आप लेके चलिए, अगर ऑफलाइन होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख लगेगा और आप एग्ज़ाम अच्छा से नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये मान कर चलिए कि मेरा एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। फाइनल स्टूडेंट्स आपको जानते हैं कि ज़्यादा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में, तो इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। चार पेपर रहता है, पाँच पेपर रहता है, तो इसको जया नहीं देने होने दीजिए। ये आपका सबसे मुख्य परीक्षा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, जो टिप्स देने थे मैंने दे दिए, और आपको एग्ज़ाम का जो डेडलाइन था वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक बार तरह से बता दिया है, ताकि आप सतर्क हो जाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही यार, इस चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।